जय हिंद, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा। इस वक्तव्य में हम अध्ययन करेंगे MH 423 हिंदी उपन्यास प्रेमचंद पर विशेष अध्ययन, खंड 3, इकाई 11, प्रेमाश्रम का औपन्यासिक शिल्प एवं इकाई 12, ज्ञान शंकर का चरित्र। प्रेमाश्रम का रचना काल 1919 है और प्रकाशन काल 1922। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद के उपन्यासों की कथा वस्तु में विषय परिवर्तन हुआ। प्रेमाश्रम में वे नगरीय जीवन को छोड़कर ग्रामीण कृषकों की ओर झुके। यह जमाना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के सत्याग्रह प्रचार का था। फरवरी 1919 में प्रस्तुत रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रचार किया और उनके नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल की तारीख 30 मार्च नियत थी, जिसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। इस कारण यह उतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन राष्ट्रीय एकता की लहर समूचे देश में फैल गई। सांप्रदायिक विभेद इसमें आड़े नहीं आया। सत्याग्रह का प्रतिउत्तर अंग्रेज जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में दिया। प्रेमाश्रम के रचना काल में उक्त घटनाएं प्रेमचंद की नजरों में गुजर रही थी। यद्यपि प्रेमचंद गांधीवाद के समर्थक थे, लेकिन मार्ग की परिणति से भी वे वाकिफ थे, जिसका संकेत उन्होंने प्रेमाश्रम में किया है। हालांकि उनकी आस्था उन्हें गांधीवाद को लागने नहीं देती, फिर भी प्रेमाश्रम किसानों की दीन दशा की चिंता, साथ ही देश की बिगड़ी राजनीतिक स्थिति का लेखा भी प्रस्तुत करता है। प्रेमाश्रम पूर्व औपन्यासिक परंपरा से हटकर लिखा गया उपन्यास है। प्रेमाश्रम में आकर प्रेमचंद की कलम में कलात्मकता आ गई है। इस उपन्यास का नायक कोई विशेष व्यक्ति न होकर भारत का बहुसंख्यक कृषक वर्ग है। भारतीय ग्रामीण समाज का मूल ढांचा सामंती रहा है, जिसमें अंग्रेजी दासता के परिणाम स्वरूप कृषकों की माली हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। प्रेमाश्रम में प्रेम शंकर और प्रेमचंद में प्रेम है और दोनों आदर्शनिष्ठ हैं। उपन्यास में प्रेम शंकर का स्थान ज्ञान शंकर के पीछे निर्धारित है। पाठकों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि अनेक मानवीय गुणों से संपन्न प्रेम शंकर को क्यों अमानवीय ज्ञान शंकर के पीछे खड़ा कर दिया गया। वास्तव में प्रेमाश्रम का एकमात्र आदर्शवादी पात्र प्रेम शंकर ही है। उसका चरित्र एक महत्वाकांक्षी के स्तर पर विद्यमान है। उसके मन में आरंभ से ही स्वदेश और किसानों के प्रति अपार प्रेम है। उसमें साम्यवादी भावना परिलक्षित होती है। इसलिए गांव में आई बाढ़ के समय जब वह अमेरिका से लौटता है, तो अपना सब कुछ किसानों के पुनर्गठन के लिए खर्च कर देता है। वह दूसरों के लिए अपनी जमीन तक छोड़ देता है। जब लक्ष्मणपुर में हलचल की स्थिति थी और उस समय प्रेम शंकर पकड़ा गया, प्रभा शंकर उनकी जेल मुक्ति योजना की और वह सहमत नहीं होता। किसानों के साथ कारावास की सजा भोगता है। प्रेम शंकर ने अपने शत्रुओं को भी मित्र समझकर उनकी भलाई के लिए परिश्रम किया। जब लोगों ने इरफान अली की हत्या के लिए उन पर आक्रमण किया, तब उन्होंने लोगों की पकड़ से उन्हें बचा लिया। स्वभाव से स्नेही मनुष्य, निस्वार्थ सच्चरित्रवान किसान मित्र और परोपकारी प्रेम शंकर का चरित्र उत्तरोत्तर विकसित होता है और उपन्यास के अंत में एक अनुकरणीय महापुरुष का रूप धारण करता है। ज्ञान शंकर अत्यंत स्वार्थ प्रिय और धनलोलुप है। वह अपने ससुर राय कमलानंद की पुत्र की मृत्यु के समय अपनी पत्नी विद्या की छोटी बहन के साथ लखनऊ पहुंचते हैं और उसकी निगाह अपनी विधवा साली गायत्री पर और उसके धन संपत्ति पर भी पड़ती है। राय कमलानंद भी बड़ा रसिक और अनुभवी व्यक्ति था। वह ज्ञान शंकर की नियत तुरंत ताड़ जाता है। वह यह भी समझ जाता है कि ज्ञान शंकर की दृष्टि गायत्री और उसकी धन संपत्ति पर ही नहीं, उनकी अपनी धन संपत्ति पर भी है। सरल हृदया गायत्री ज्ञान शंकर के पंजे में धीरे धीरे फंसती चली जाती है।
वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। ज्ञानशंकर का चरित्र परंपरागत रीति से परिवर्तित जमींदारी प्रथा की ओर संकेतित करता है। संसार बदला तो जमींदार की क्रूरता का रूप भी बदला। ज्ञानशंकर पापी, स्वार्थी, धनलोभी, निर्दय, धोखेबाज, असंस्कृत और असभ्य है। वह सरकारी अधिकारियों से मिलकर किसानों का शोषण करता है। अपने ससुर और साली पर अन्याय करने में भी उसे कोई हिचक नहीं। अपने भाई का वध कर संपत्ति पर अधिकार जताने वाला ज्ञानशंकर अमानवीय है। उसमें जमींदारी प्रथा का सारा अन्याय और अनीतियां झलकती हैं। विदेश से कृषि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर प्रेमशंकर को किसानों के परम मित्र और अगुआ के रूप में उपस्थित किया गया है। उनका व्यक्तित्व साफ सुथरा है। प्रेमचंद्र ने उसका चरित्र किसानों के सहायक के रूप में आंका है। चरित्र चित्रण से ज्ञात होता है कि ज्ञानशंकर जमींदारी प्रणाली का आधुनिक चेहरा है और प्रेमशंकर प्रेमचंद का प्रिय और ज्ञानशंकर अप्रिय है। धन्यवाद। इस वक्तव्य के संदर्भ में यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। जय हिंद।